ये जैसे आप खूड़ी से निकलते, रशीदपुरा से निकलते हैं, 2-1 किलोमीटर आगे जाने के बाद में लेफ्ट साइड में एक रोड निकलती है जिसका नाम है सड़क निर्माण कार्य खूड़ी रशीदपुरा रेलवे स्टेशन भूमा छोटा वाया खोरू मनासिया व बादूसर। भाई साहब बहुत लंबा नाम है। स्वीकृत राशि 800 लाख, कार्य देय राशि 562 लाख, रख रखाव अवधि 5 साल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो ब्रांड न्यू सड़क है मेरे प्यारे मित्रों, देख सकते हो आप, शानदार तिरंगा प्यारा हमारा। देखिए फेंसिंग जो है ट्राई कलर में करी गई है, और एक बड़ी शानदार अच्छी चीज आपको मैं दिखाऊंगा आज, जो है ना सीकर के अंदर जो है अभी भी आम मिल रहे हैं। उसने कहा यार, मैंने कहा क्या है, चलो यार वहीं दुकान पे चल के बताऊंगा। न्यू रोड देखिए, ब्रांड न्यू, एंटरटेनमेंट देखो यार, आप क्या मजा आ रहा होगा चलाने में भी, शानदार। विशाल खेत देखिए, ग्रीन हरे भरे, वाओ। ये हमारी सीकर की शान। यह रोड जा रही है सांवलोदा, ये होना चाहिए लाड़खानी, आई थिंक सांवलोदा लाड़खानी अथवा सांवलोदा पुरोहितान, जो भी होगा आगे देखते। बड़ी बड़ी झाटियां झाटियां, वाओ। ब्रांड न्यू सड़क पे तो यार मजा ही हो रहा है। ये देखिए दो भैंस फैमिली, बफेलो फैमिली भी चढ़ते हुए। ये देखिए, अच्छा एक चीज और हुई थी भाइयों, ये जैसे भैंस है, ये अभी क्या हुआ, पिछले साल ये लंपी हुआ था ना, लंपी, तो ये ज्यादातर ने है ना लोगों ने चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया अपना जो प्रोफेशन है ना उसके अंदर, गायों को हटा के भैंसों को ले लिया इन्होंने। प्यारी सी ग्रेवल सड़क आ गई है अब। भाई साहब एक मिले, उन्होंने कहा यार आप रशीदपुरा से थोड़ी पक्की सड़क पकड़ लेते वो ज्यादा बढ़िया रहता। मैंने कहा कोई नहीं यार, मैं MTB है अपनी, MTB भाई साहब कहीं भी ले जाती है, कोई टेंशन वाला काम नहीं। ये देखियो भैंस भाई साहब, शेखावाटी सीकर की भैंस, मोटी भैंस। ये आ गया एक भीड़ का क्षेत्र कह सकते हो आप, या जोड़े का क्षेत्र भी कह सकते हो, थोड़ा ढलान पे इसी सड़कें भी हैं, बट ठीक है MTB लेने का यही फायदा है, जोर नहीं आता, वाइड टायर होते हैं ना तो निकल जाती है अपनी, तो जैसे तैसे कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती। लग गया भाई साहब, ठेका ले रखा है क्या इसका? अच्छा अच्छा ये है देखिए यार, ठेके पे जब कार्य करते हैं लोग बाग तो सुबह सुबह ही आ जाते हैं, काम भी अच्छा होता है ना। देख कितने लीटर का बन रहा भाई, 20,000 का है, 20,000 लीटर का, तो ये अच्छा अच्छा तो कितनी दूर रह गया सांवलोदा? ये कौन सा वाला दाहलान है, लाड़खानी है? अब ये तो आपको भी आइडिया नहीं है, मेरी तरह ही हो आप, हम दूसरे गांव के हैं। चलो चलो ठीक है ठीक है, थैंक यू। इतनी मिट्टी में हम लेके आए हैं, बट क्या टायर जो है ना थोड़ा सा डिसबैलेंस होके साइड में निकल गया। भाई साहब टंकी वाले बजाने बनाने वाले भाई साहब ने कहा था कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो एक्चुअली क्या है कि भयंकर मिट्टी थी वहाँ, तो प्रॉब्लम ये थी, पॉसिबिलिटी थी, प्रॉब्लम तो क्या थी ये मैं नहीं जा पाते उसको, लेकिन ठीक है यार आप लोगों का प्रेम है तो कोशिश कर लेते हैं। क्रॉस करी थी एक बार, थोड़ा सा टायर डिसबैलेंस होने से उतरना पड़ा, बाकी ज़्यादा जोर तो नहीं आया। चलिए देखते हैं कौन सा सांवलोदा है, सांवलोदा लाड़खानी है। हाँ यार सांवलोदा लाड़खानी जब हम आए थे ना तो हुआ क्या था, उस दिन बारिश आ गई थी, सीजन की पहली बारिश थी, तो जो हम पूरा विजिट नहीं करवा पाए थे आपको, क्योंकि बारिश में रुक गए, 1 घंटे बारिश चली। और ये देखिए भाई आके घोंसले समानांतर जो प्रकृति की जो गोद है उसके अंदर जो सभी के लिए जगह है, बहुत विशाल गोद होती है प्रकृति की, कब कहाँ सृजन शुरू हो जाए कुछ कह नहीं सकते। सृजन और निर्वाण दोनों देखे समानांतर चलते रहते हैं। यह छतरी जिसका एक उदाहरण है आपके समक्ष, और जो वो घोंसले थे भैया के वो है, दोनों आमने सामने हैं, अनुमान आप लगा सकते हैं, प्रकृति महान है, प्रकृति को कोई जो है मतलब चेता चैलेंज नहीं दे सकता यार, चैलेंज चैलेंज नहीं कर सकता है। वाह
चलते रहो चलते रहो सांवलोदा के लिए। बहुत ही प्यारा यार सुबह का जीवन। ये लाल कलर की गिट्टी की सड़क इधर, और अपने को इस टी पॉइंट से लेफ्ट जाना है। चलते रहिए चलते रहिए। इस दौरे में तो बिल्कुल भाई साहब ढलान है, और ये दौरा गया है मिट्टी का जो कहते हैं ना, पानी का नहीं, पूरा बीकानेर का अनुभव हो रहा है। लेफ्ट साइड में देखिए उच्च स्थान पर स्थित यह है टीला, और हम नीचे DPSV चलते जा रहे हैं। बस लीक पकड़ के चलें भाई साहब साइड में है हमारे शेखावाटी सीकर और सांवलोदा के समृद्ध कृषक कृषक। देखिए हरियाली का झुरमुट, और बिल्कुल जो है स्वच्छ हवा के बीच में रहते हुए। इससे देखिए ये मोरनी है, मोरनी हेलो उड़ेगी अभी, देखिए उड़ान भरने वाली है। ये देखिए शानदार, यही चीज कैच करने के लिए हम लोग रुके थे और ये हम सक्सेसफुल हो गए। मोरनी हेलो उड़ेगी अभी, देखिए उड़ान भरने वाली है। ये देखिए शानदार, यही चीज कैच करने के लिए एक मोर फैमिली है। देखिए आप एक ऊपर बैठा हो रहा है, मोरनी की जो चाल है ना, एक वो कह रहे थे यार बोले ये सुंदर दिखता है, सुंदर आवाज होती है, लेकिन खाता बोले ये गिरगिट को भी खा जाता है। तो सुंदरता का प्रतीक है भाई साहब ये। सुंदरता जो होती है ना, किस प्रकार से जो है जाल में फंसा सकती है वो चीज़। ये यार एंजॉय करो जीवन को, यही काम आएगा। मजे स्कूल बस बच्चों की, ये देखिए फुल स्पीड से आते हैं प्यारे प्यारे बच्चे। उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक्चुअली जो ट्रांजिट अपना थोड़ा सा डिफरेंट था आज का, जो मतलब पहले तो अपन लोग मेन रोड से आए थे, बट आज हमने एक नई सड़क बनी हुई कोई 8 करोड़ रुपए की, उससे हम आए। अरे स्कूल कौन गया क्या बच्चों, छुट्टी है क्या आज, क्या की छुट्टी है? अरे वाह यार स्कूल की, स्कूल की छुट्टी है किस चीज़ की। ये सांवलोदा लाड़खानी ग्राम की गलियाँ, श्री राम हार्डवेयर एंड पशु आहार, ये देख सकते हो आप विकास की गाथा, टाइल्स की सड़कें, और सभी जगह जो है विकास बहुत ही स्पीड से जो है, विकास ने अपनी गति को बढ़ाया है सभी जगह। शांत वातावरण, हमारे शांत गांव, और वो देखिए पहाड़ी पे स्थित मंदिर है बाला शिव जी का, हमने पिछली बार आपको विजिट कराया था ना। जय श्री शिव शंभो। आज क्या है कि नीचे से ही हम यहीं से आपके दर्शन कराएंगे भाइयों, तो अन्यथा न लें। कोशिश तो हमारी यही रहती है कि भाई हम लोग आगे नज़दीक से, ये लो फिर वही रास्ता गए तो ऊँट वाला ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये अब हम निकल गए। ये देखिए ऊपर वोरा मंदिर शिव जी का, बहुत ही पहाड़ी पर बहुत ही सुंदर है। एक कुछ मजदूर वर्ग श्रमिक वर्ग देख सकते हो आप, ये अपने रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए एक मोर बैठा हुआ है। ये सौंदर्य है यार इस गांव का, सांवलोदा लाड़खानी का, इतने सारे मोर हैं, इतने सारे अनइमेजिनेबल बहुत सारे मोर हैं कि जिधर देखोगे आप पता, वो एक वो पेड़ पे बैठा ये ऐसे खेल रहा है। छुट्टी आज की स्कूल की? अच्छा प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारा यार मज़ा आ गया। ये बगीची है कि यार भाई जी, ये अपने बगीचे सरकारी है क्या, पंचायत की है? नहीं नहीं निजी है। निजी। अच्छा अच्छा यार बहुत शानदार बना रखी है। अच्छा नहीं बहुत प्यारा यार, बढ़िया है। नहीं मतलब सभी लोग जा सकते हैं क्या इसमें? जी। अच्छा 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 जा सकते हैं क्या? ये बगीची देखिए आप, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि आप अंदर घूम सकते हो, और नेचर को जिन जो नेचर लवर्स हैं अगर वो चाहें तो इसके अंदर आके भैंस की आवाज़ भी आ रही गाय के अंदर से, बहुत यार प्यारा। अंदर कुंडियाँ भी लटकाई गई हैं पक्षियों के लिए, और बहुत ही प्यारा है यार ये तो। पवन कुमार क्या काम करते हो यार? सैलून का। कहाँ पे? रशीदपुरा।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है यार, थैंक यू। तो अभी पैदल ही जाओगे क्या रशीदपुरा तक? हाँ जी। हैं? हाँ जी। इतनी दूर? 5 किलोमीटर है, कितना दूर है? पैदल ही जाते हो? और क्या, 20 मिनट का रास्ता है। अरे वेरी गुड यार, देखिए साहब ये होता जज्बा। तो ये था एक छोटा सा सर्वे आज का सावलौदा लाड़खानी गांव का, जो कि पिछली बार बारिश की वजह से रह गया था। कुछ इससे हमने उसमें कवर कर लिए थे और कुछ इससे आज कवर किए हैं। तो और हमने एंटर किया था रशीदपुरा गांव से, वैसे तो एक सीधी सड़क भी आती है, लेकिन हमने थोड़े कच्चे रास्ते पकड़े ताकि आपको थोड़ा सा थ्रिलिंग लगे और गाँव के नज़दीक और ज़्यादा नज़दीक से हम आपको दिखा सकें। तो कैसा लगा यह वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, एंजॉय करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।